ज्ञान गुणों की खान मास्टर सागर, अपनी प्यारी आदरणीय दादी जी, जिनको हम बुलाए भी नहीं भूल सकते, उनके वो वचन कि आओ सभी हम जन से इकट्ठी होकर बैठें, ज्ञान की कुछ गहन लेन देन करेंगे। हर क्षण दादी जी को, अपनी उपस्थित बहनों को देखकर यही विचार चलता कि हम ज्ञान की कुछ गहन लेन देन करें। आज ऐसा कोई नहीं जो ये शब्द कहकर हम सबको संगठित करे। ये थी दादी जी की विशेषता। जैसे कि कहा, कुछ ऐसी किस्से और कहानियाँ जो मैंने सुनी और देखी भी, जिस पर मुझे याद आता है दादी जी ने एक बार सुनाया था या मैंने सुना था कहीं से भी, कि ज्ञान में एक भाई और बहन चलते थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि माया किसी समय किसी को भी अपने अधीन कर सकती है। और ये इंग्लैंड की बात है, वो समय आया कि उन दोनों ने शादी कर ली और शादी करने के पश्चात एक बच्चे को भी जन्म दिया। लेकिन काफ़ी समय के बाद वह पुनः जब दादी के पास आए तो दोनों ही आए, तब दादी ने कहा कि अपने बच्चे को क्यों नहीं लाई, मुझे पता चला है आपका बेटा भी है। तो दोनों ही रोने लग गए। दादी ने कहा, क्यों, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? तब उन्होंने कहा, दादी बच्चा जन्मांधा है, जन्म से ही अंधा हुआ, कर्म हमने बुरे किए, लेकिन बुरे कर्मों का परिणाम शायद हमारे बालक को भोगना पड़ा। दादी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हर एक अपने कर्मों का दंड और कर्मों का फल प्राप्त करता है। लेकिन दूसरे ही दिन दादी के कहने पर वो अपने बेटे को लेकर वहाँ पहुँचे, तो दादी उस दिन सतगुरुवार का दिन होने के नाते दादी सबको जल पिला रही थी, तो बच्चे को भी माँ लाई और दादी ने उसके मुख में जल डाला। बच्चे को अवश्य जल स्वादिष्ट लगा। जल पीने के बाद कुछ क्षणों के बाद पुनः वो माँ की गोदी से उठा और दादी की तरफ आया और दादी की गाल पर हाथ करके कहता है कि मुझे पुनः दो। तो दादी ने उसको दोबारा उसके मुख में जल डाला और पीकर फिर वो माँ के पास गया। तब दादी ने उसकी माँ से कहा कि तुम कहती हो ये अंधा है, अगर अंधा है तो इसे कैसे पता कि मैंने ही ये जल पिलाया है और मुझे ही गाल पर हाथ लगाकर इशारा करके ये मेरे से पुनः जल मांगता है और जल पीने के पश्चात वो फिर तुम्हारे पास चला आया है। मैं नहीं समझती कि अंधा है, तुम एक बार डॉक्टर से पुनः इसका चेकअप कराओ। तो फिर रोने लगी कि डॉक्टर ने हमें लिखित में दे दिया, क्योंकि 3 ऑपरेशन भी इसके हो चुके हैं, लेकिन लिखित में दे दिया कि बच्चा अंधा है, अब हम कैसे उसके पास जाएं। तो दादी के आग्रह करने पर वह पुनः डॉक्टर के पास पहुँचे। उसने कहा, जबकि सर्टिफिकेट दे दिया अंधा है, फिर क्यों लाए? कहा, हमारे बड़ों ने कहा है कि एक बार चेक करो। और डॉक्टर ने जो ही देखा तो डॉक्टर ने कहा कि कल तक ये अंधा था, लेकिन आज ये अंधा नहीं है। मुझे याद आता है जब उस बच्चे का जन्मदिन होता था तो बच्चा जन्मदिन नहीं मनाता था जब तक दादी ना आएगी। और हम एक बार लंदन में जब पहुँचे तो उस समय उसकी माँ ने हमें दिखाकर कहा कि ये था मेरा बच्चा जो अंधा था। मैंने कहा, अभी ऐसा नहीं कहो, इसको ये कॉन्शियसनेस नहीं दिलाओ कि तू कभी अंधा था। तो जो कहा गया है कि करामत कैर खुदाई, कभी दादी ने इस प्रकार की करामत को खुदा का कैर समझकर कभी स्वीकार नहीं किया। दादी ने कहा, ये कोई जल मेरे पिलाने से इसकी आंखें नहीं आई हैं, लेकिन इसका समय भोगना का पूरा हुआ और पूरा होने का निमित्त कारण बना कि बाबा का अमृत पिया और उसकी आंखें आ गई।
तो इस प्रकार दादी हर बात में कहीं मेहमा स्वीकार न हो जाए और सदा ही बाबा के गुणगान गाती रही। ऐसी दूसरी गाथा भी मैं सुना देती हूँ कि किस प्रकार जब दादी जी का ग्लोबल हाउस बन रहा था तो दादी ने ये कहा कि मैं कभी भी उधार लेकर के मकान नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं तो स्वाभाविक है कि लोन लेते हैं और लोन लेने के पश्चात ही बिल्डिंग बनती हैं। लेकिन दादी ने ये कहा कि कर्ज, जिसे बाबा ने मर्ज कहा है, इसलिए मैं कर्ज लेकर भवन नहीं बनाऊंगी। लेकिन आर्किटेक्ट से ये निर्णय हो चुका था कि इतना भवन बन जाएगा तो हम इतना पैसा देंगे, अगर हम पैसा ना दे पाए तो उसका दंड हम देंगे, अगर वो भवन निर्माण का जो समय निश्चित है उतने समय में भवन नहीं बनाकर दिया तो उसे दंड देना पड़ेगा। इसलिए पैसा टाइम पर देना और भवन को टाइम पर बनाना ये ज़रूरी चल रहा था। और स्वाभाविक है कि दादी ने क्लास में भी बताया कि इतना पैसा भी नहीं है, हालांकि सारे विश्व के सेवा केंद्रों के सहयोग से भी बन रहा था, लेकिन दादी ने क्लास में कहा कि आजकल इतना धन नहीं है, लेकिन जो भी आप अपना तन से अपनी विशेषताओं का सहयोग दे सकते हो तो अपना सहयोग देकर इस भवन को कंप्लीट करो। तो उसमें बताते हैं कि एक भाई ने अपने स्थान पर जहाँ वो सर्विस करते थे वहाँ कारपेंट्री का काम होता था, बड़े का काम चलता था, तो उन्होंने वहाँ जाकर कहा कि ऐसे ऐसे एक स्थान बन रहा है, धार्मिक स्थल है, अगर कोई यहाँ सेवा करना चाहता है फ्री, क्योंकि सैटरडे संडे वहाँ छुट्टी होती है, तो आप में से अपनी सेवाएं कोई देना चाहे तो दे सकता है। तब कहते हैं एक कपल था, एक युगल था, जिन्होंने वहाँ सेवाएं देनी मंजूर की और सेवाएं ही दे रहे थे और फ्री देकर जाते थे। एक दिन रास्ते में अचानक वो जब जा रहे थे तो रास्ते में सड़क के बीचों बीच एक मनुष्य गिरा हुआ मिला। उन्होंने जाकर देखा तो उसने शराब ज़्यादा पी हुई थी, खड़ा नहीं हो पा रहा था इसलिए बीच में पड़ा था और तेज बहककर उन्हें कुचल कर जा सकता है। उन्होंने उस व्यक्ति को अपनी कार में डाला और उसको होश आने पर कपड़े बदला करके ठीक करके उसे उसके घर भेज दिया। कुछ समय के पश्चात उस व्यक्ति ने जब शरीर छोड़ दिया तो इनको कोर्ट से बुलावा आया। अब आप तो समझेंगे पता नहीं क्या हुआ होगा। और कोर्ट से बुलावा आने पर इन्हें उस व्यक्ति ने मरने से पूर्व ये लिखा था कि 40,000 पाउंड्स इस युगल को मेरी तरफ से दिए जाएं। अब वो 40,000 पाउंड देने के लिए कोर्ट ने उनको बुलाया था और 40,000 पाउंड लेकर के वो दादी जी के पास आए, कहा दादी आज यज्ञ में इस भवन बन रहा है, इसकी आवश्यकता है, इसलिए 15,000 पाउंड हम अपने पास रखेंगे, एक छोटा सा कमरा हम लेंगे और 25,000 पाउंड बाबा की भंडारी में डालेंगे। दादी ने कहा कुछ और भी रख लो, कोई हर्ज नहीं। कहा नहीं दादी, हम 25,000 पाउंड भंडारी में डालेंगे। सेकेंड डे वो 15,000 पाउंड भी लेकर के आ गए और उन्होंने आकर कहा कि दादी जी हम तो टूटे हुए मकान में रहे हुए थे, रह सकते हैं, आज जबकि इस भवन के निर्माण में आवश्यकता है तो इसलिए ये 15,000 पाउंड भी बाबा के बॉक्स में ही जाएगा। दादी के मना करने पर भी उन्होंने बाबा के बॉक्स में डाल दिया। आप सुनिए कहानी आगे क्या होती है। ठीक है, भवन बन गया, कार्य निपट गया, वो चले गए, ये स्थान हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद दादी ने ऑक्सफोर्ड में एक रिट्रीट सेंटर खरीदा और वो रिट्रीट सेंटर जिसमें 90 कमरे बने हुए थे और वो भी एक रानी का पैलेस था और अभी और भी काफ़ी कमरे उसमें बने थे। आप सोचिए जब उसकी फाइनल पेमेंट करनी है तो फाइनल पेमेंट के समय पर आपको चाबियां हैंडओवर की जाएंगी और पता चला कि 2 कट्टे बड़े बड़े बोरियों के वो चाबियां हैं, किस दरवाजे की, किस अलमारी की, किस खिड़की की, कौन सी है। अब दादी ने कहा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, कौन इन चाबियों को समेटेगा, संभालेगा और कौन समझेगा कि किस दरवाजे की कौन सी चाबी है। अब इस सोच में लगे हुए दादी को विचार आया कि वो जो युगल बड़े ही आता था उनसे पूछे, वो फ्री थे, उनका कोई बेबी भी नहीं था,
क्योंकि वहाँ की दुनिया अलग होती है, 25 साल का भाई तो 50 साल की बहन थी। तब उन्होंने उस युगल को बुलाया और कहा कि ऐसे ऐसे हम एक भवन ले रहे हैं, उसकी चाबियां संभालने का कार्य कोई करने वाला यही नहीं है, क्या आप ये चाबियां संभालोगे? उन्होंने कहा, दादी जी हम वहाँ भी रहते हैं, हम यहाँ भी रह जाएंगे। दादी ने कहा, परमानेंट इस पैलेस में रहने वाले आप होंगे, बाकी रिट्रीट करने वाले आएंगे और जाएंगे, लेकिन चाबी लगाना, दरवाज़ा खोलना, सब चीज़ को जानना ये आपके ऊपर रहेगा। उन्होंने स्वीकार किया। आप सोचिए, एक छोटे से मकान के 15,000 पौंड्स उन्होंने बाबा के बॉक्स में रखे, बाबा ने उसके बदले उनको इतना बड़ा पैलेस परमानेंट रहने के लिए भवन को दे दिया। तो दो रूम्स उनको मिल गए। भगवान किसी का रखता नहीं है, कहता है एक कदम तुम बढ़ो, पदम कदम मैं बढ़ूंगा। ये दादी जी ने करके दिखाया और हम सब के सामने एग्जाम्पल हैं। उस दादी ने जिन्होंने प्यार से ना केवल बाबा के बच्चों को सींचा, लेकिन संपर्क को संबंध में आने वालों को भी इतना सींचा कि वो भी सर्वस्व त्याग करने को तैयार हुए। ऐसी थी अपनी प्यारी आदरणीय दादी जी। समय की सीमा को देखते हुए मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।